सब्सक्राइब कीजिए सेठानी की रसोई चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। थोड़ा सा बेसन लेंगे और इसे इस तरीके से फैला देंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी के पत्तों के पतौड़े या पात्रा। अगर आपके यहाँ इन्हें कुछ और बोला जाता हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा बेसन है, नींबू का रस है, थोड़ा सा तेल है, हींग है, चाट मसाला है, भुने हुए जीरे का पाउडर है, थोड़ी सी लाल मिर्च है, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। थोड़ा सा पानी लिया है। अरबी के पत्तों को मैंने धो के और बहुत अच्छे से पोंछ लिया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं अरबी के पत्तों के पतौड़े। सबसे पहले हम अरबी के एक एक पत्ते को लेंगे और इस तरीके से उनकी स्टेम निकाल देंगे। स्टेम निकालने के बाद हम यहाँ से इसे अलग कर लेंगे और पीछे का डंठल अगर मोटा हो तो उसे भी अलग कर देंगे। इनका बिल्कुल कच्चा है इसलिए मैं इसको इस तरह ही रख देती हूँ। इसी तरीके से हम सारे पत्तों की स्टेम निकाल देंगे। सारे पत्तों पे से हमने स्टेम निकाल ली है और आप देखो इस तरीके से इन्हें तैयार कर लिया है। चलिए अब हम अपना बेसन का घोल तैयार करते हैं। मैंने यहाँ 2 कटोरी बेसन लिया है। इसमें मैं करीब 1/2 चम्मच हल्दी डाल दूंगी, स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी, भुना हुआ जीरा डाल दूंगी, साथ ही साथ थोड़ा सा डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, साथ ही साथ मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला डालने के बाद अगर आप गार्लिक खाते हैं तो गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ हींग। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस इसमें ज़रूर डालिएगा क्योंकि अरबी के पत्तों में कई बार इचिंग होती है तो वो इसको रिमूव कर देता है। और थोड़ा सा डालूंगी तेल, 1 छोटी चम्मच बस। अब इसके बाद मैं पानी डाल के इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लूंगी। बैटर बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं बनाना है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बैटर बनाना है। बैटर बेसन का हमारा तैयार हो गया है, हमें इस कंसिस्टेंसी का ही चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला हमें इसे नहीं करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। अब हम अरबी का एक पत्ता लेंगे। पत्ता हमें उल्टी साइड से ही लेना है, सीधी साइड से नहीं लेना है, नहीं तो हमारा ये बैटर बेसन वाला इस पर नहीं चिपकेगा। और हम थोड़ा सा बेसन लेंगे और इसे इस तरीके से फैला देंगे, पूरे पत्ते पे फैलाना है। आप चाहें तो इसके लिए हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरीके से फैलाते हुए इसकी एक पूरी पतली लेयर लगा देनी है हमें इस पत्ते के ऊपर। अब इसके ऊपर हम एक दूसरा पत्ता शिफ्ट कर देंगे। पत्तों को हमें अलट पलट के रखना है। अब दूसरे पत्ते को हम इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर भी बेसन की लेयर लगा देंगे। अब हम इस पे एक पत्ता और रखेंगे, उसको अब हम इस तरीके से रखेंगे और फिर बेसन की लेयर को इसी तरीके से बिछा देंगे। आप 3, 4, 5 पत्तों की लेयर बना सकते हैं, उससे ज्यादा की मत बनाइएगा, नहीं तो हमारा पतौड़ा बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा और जब हम इसे स्टीम करेंगे तो ये अंदर से अच्छी तरीके से नहीं पकेगा। बेसन हमने पत्ते पे अच्छी तरीके से लगा दिया है। अब हम इस पत्ते को इस तरफ से यूं पकड़ के अंदर की तरफ रोल कर देंगे
और इस पे थोड़ा सा बेसन ऊपर से लगा देंगे। साइडों से भी इस तरीके से रोल कर देंगे और फिर इसको इस तरीके से पकड़ते हुए टाइटली बंद करते चले जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसे एक धागे से भी बांध सकते हैं और नहीं तो इसी तरीके से आप अभी इसे एक तरफ रख दीजिए। इसी तरीके से बाकी पतौड़े भी हम अपने तैयार कर लेंगे। अरबी के पत्तों के पतौड़े हमारे बन गए हैं, ये रोल हमारे तैयार हो चुके हैं, अब हम इन्हें स्टीम करेंगे। चलिए अपने स्टीमर को तैयार करते हैं स्टीम करने के लिए। यहाँ मैंने एक स्टीमर में 2 कप पानी ले लिया है, इसमें मैं ये ट्रे ऐड कर दूंगी और इसको मैं हल्का सा ग्रीस करके गैस ऑन कर दूंगी ताकि पानी हल्के हल्के गर्म होने लगे और उसमें स्टीम बनने लगे। ग्रीस करने के बाद मैंने जो रोल बनाए हैं वो मैं इस स्टीमर में रख दूंगी। एक एक करके रोल उठा के इसमें शिफ्ट कर दूंगी। और इस पर ढक्कन लगा के 20 मिनट के लिए स्टीम होने रख दूंगी। करीब 20 मिनट हो गए हैं, हम गैस का स्विच ऑफ कर देते हैं और चेक करते हैं। पतौड़े हमारे अच्छे से स्टीम हो गए हैं। अब हम इन्हें इस ट्रे को इसी तरीके से निकाल के और रख देंगे और इनके रूम टेम्परेचर पे आने का वेट करेंगे। पतौड़े हमारे रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं, आप देखो भाप लगाने से ये हार्ड हो गए हैं, इनका बेसन अच्छी तरीके से पक चुका है। चलिए अब इनके पीस कर लेते हैं। इस तरीके से चाकू की सहायता से हम इनके पीस कर लेंगे। इस तरीके के पीस हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, तो चलिए हम करते हैं डीप फ्राई। तेल हमने गरम कर लिया है, इसे मीडियम हीट पे ही सेकना है, बहुत ज़्यादा तेज हीट पे नहीं डालेंगे। और अपने पतौड़े अब हम इस तेल में डाल देंगे और दोनों तरफ से इन्हें गुलाबी होने तक सेक लेंगे। पतौड़े हमारे सिक गए हैं, एक एक करके हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद इन्हें सर्व करेंगे। ये अभी हमारे बिना तले हुए पतौड़े हैं और ये हैं तले हुए पतौड़े। आप देखो कलर में कितना अंतर है, तलने के बाद ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं। आप देखो कितने क्रिस्पी हैं, आप इनकी आवाज़ भी सुन सकते हो। इसी तरीके से हमें बनाने हैं, आप शैलो फ्राई भी कर सकते हो और पुदीने और अमिया की चटनी के साथ आप इन्हें सर्व करो। बारिश के दिनों में यकीन मानिए इससे बेहतरीन नाश्ता कोई नहीं हो सकता। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।